पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है। इस लीग में लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच 2 मार्च गुरुवार के दिन एक मुकाबला खेला गया। 34 मैचों की इस लीग में ये 18वां मुकाबला था, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए। आपको बता दें कि इस टीम के धाकड़ ऑलराउंडर सिकंदर रजा के बदौलत ये टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाई। सिकंदर रजा ने अपनी पारी के दौरान 34 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 71 रनों की पारी खेली, जिसमें बल्लेबाज ने 8 चौके तो वहीं 3 दनदनाते हुए छक्के जड़े। वहीं उन्होंने काफ़ी शानदार खेल दिखाया, जिसके बदौलत वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन अब PSL में एक नई चीज़ देखी जा रही है। दरअसल में PSL में लाहौर कलंदर्स की टीम अपने खिलाड़ियों को महंगे महंगे तोहफे दे रहा है। आपको बता दें कि इस टीम में सिकंदर रजा के अलावा शाहीन अफरीदी कप्तान हैं, हारिस राउफ और राशिद खान जैसे अफगानिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी भी हैं। आपको बता दें कि अच्छे प्रदर्शन के चलते इस मुकाबले के बाद रजा को पाकिस्तान में एक प्लॉट मिला। जी हाँ, PSL में सिकंदर रजा को लाहौर कलंदर्स की तरफ से कलंदर सिटी में एक प्लॉट मिला है। वहीं राशिद खान को ड्रेसिंग रूम गिफ्ट्स के तौर पर एक आईफोन 14 गिफ्ट के रूप में मिला है। आपको बता दें कि हारिस राव, जो कि लाहौर कलंदर्स के तेज गेंदबाज हैं, उन्हें भी 1 साल के लिए जूते गिफ्ट में दिए गए हैं। 1 साल तक उन्हें टीम की तरफ से जूते गिफ्ट में दिए जाएंगे। पाकिस्तान में जहां एक तरफ जनता एक निवाले रोटी के लिए भी तरस रही है, लगातार बढ़ती महंगाई और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी ना करने वाली पाकिस्तान की आवाम जहां इतने संघर्षों के साथ अपना पेट पाल रही है, वहीं PSL में महंगे महंगे तोहफे बांटे जा रहे हैं। इसी के बीच पिछले साल लाहौर कलंदर्स के प्रबंधन ने अपने खिलाड़ियों को बेशकीमती तोहफा देने के ऊपर अपना बयान भी जारी किया था। एक इंटरव्यू में कलंदर्स के CEO समीन राणा ने अपने खिलाड़ियों को महंगे महंगे गिफ्ट्स देने के पीछे का कारण बताया था। उन्होंने कहा था, ये सराहना का प्रतीक है, हमें लगता है कि ये खिलाड़ी हमारा परिवार है, ये उपहार उन्हें आत्मविश्वास देंगे और टीम में अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता लाएंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में किस खिलाड़ी को और कौन सा तोहफा मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।